हेलो गाइस। तो गाइस आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि मैं दूसरा चैनल खोल के क्यों बैठा हूँ। जी हाँ फ्रेंड, तो ये मेरा चैनल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी इस चैनल को खोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं कोई छोटा मोटा इनकम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। क्योंकि आज जो मैं इनकम या फिर जो पैसे कमाने का जरिया बताने वाला हूँ, वो आपका लाइफ चेंज कर सकता है, वो आपको डेफिनेटली बहुत ही बड़ा आदमी बना सकता है, ठीक है? क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज्यादा है। तो मैंने प्रैक्टिकली इस चीज को ट्राई किया अपने चैनल में भी, मैं इसको कर भी रहा हूँ, और इवन मैं आपको अपने Amazon एफिलिएट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा कि मैंने कुछ वीडियो में एक्सपेरिमेंट करके कितना कमाया, क्या किया, वो सारे चीजें दिखाऊंगा, ठीक है फ्रेंड? तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आई थिंक कि मैंने आप लोगों को फेसबुक से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करना है वो मैंने सिखा दिया, कैसे फेसबुक में बिजनेस पेज क्रिएट करना है वो भी सिखा दिया, कैसे एफिलिएट लिंक डालना है वो भी सिखा दिया, ठीक है? जिनको नहीं पता मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लो, क्योंकि इससे आप मोटिवेट हो जाओगे, आपको स्कोप समझ में आएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग से आप एटलीस्ट कितना कमा सकते हो, ठीक है? तो मैं क्यों ये गैजेट जोन वाला चैनल खोल के क्यों रखा हूं, मैं आपको बस एक ही चीज दिखाने वाला हूं। यहाँ पे देखिए, ये जो चैनल है ये हर रोज एक वीडियो अपलोड करता है, और हर वीडियो में ये ऑलमोस्ट 10-7 या ऑलमोस्ट 10 गैजेट्स का रिव्यू करता है, या फिर ये रिव्यू भी नहीं करता है, ये ओनली गैजेट्स का वीडियो अपलोड करता है जिसको लोग देख के एंटरटेन होता है। और क्या करता है ये चैनल, ये चैनल इस सारे वीडियोस के नीचे एक लिंक छोड़ देता है जितना भी प्रोडक्ट ये दिखाता है। तो हर रोज एक वीडियो, और हर वीडियो में 10 प्रोडक्ट, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10 प्रोडक्ट का लिंक। मतलब आप समझ रहे हो कि पर डे ये अपने वीडियोस के थ्रू 10 प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक शेयर कर रहा है, मतलब मंथली ये 300 प्रोडक्ट का एफिलिएट लिंक शेयर कर रहा है। फिर ईयरली आप तरीका लगा, मतलब आप हिसाब लगा लो, ठीक है? और इसका जो वीडियोस का व्यूज है, उस सारे के सारे वीडियोस का व्यूज जो है वो मतलब 2 लाख 3 लाख के ऊपर जाता है, ठीक है? और ये सारे जो वीडियोस है, गैजेट वीडियोस है, ये चलता ही रहता है। मतलब ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आज चल रहा है 2 दिन बाद नहीं चलेगा, ये ऐसा नहीं है, लोग इसको देखता ही रहेगा, और एफिलिएट से जो अर्निंग है ये अर्निंग होता ही रहेगा। तो मैंने इस चैनल को देखा, मुझे समझ में आया, मैं थोड़ा बहुत मोटिवेट हुआ, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ऐसे वीडियो बनाऊं। फिर जाके रिजल्ट देखिए, मैंने अपने चैनल में कुछ वीडियोस बनाया था, मेरा अमेजोन का एफिलिएट अकाउंट था, लेकिन मुझे स्क्रैप से देखना था, फेसबुक से तो मैं करता हूँ, लेकिन यूट्यूब से एफिलिएट करके कुछ फायदा होता है कि नहीं? ऑल दो मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरा चैनल का जो व्यूअर्स है, वो लोग गैजेट्स वीडियो नहीं देखते हैं, क्योंकि उन लोगों को मैं टेक सॉल्यूशन या इस टाइप का वीडियोस दिखाता हूँ। लेकिन मैंने फिर भी एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि मुझे आप लोगों को बताना था कि आप लोग कैसे इससे अर्निंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने 4-5 वीडियो डाला, उसमें से भी मैंने ओनली 2 या 3 वीडियो में मैंने लिंक डाला था अपना अमेजोन एफिलिएट का। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा वीडियो था, जैसे एक टॉय का वीडियो था, वहां पे मैंने अमेजोन एफिलिएट्स का लिंक डाला था। बाकी सारे जो वीडियोस है उसमें मैंने लिंक नहीं डाल पाया, क्योंकि लॉकडाउन के लिए अभी जो अमेजोन का एफिलिएशन प्रोग्राम है वो थोड़ा बहुत होल्ड है, इसलिए मैंने कोई प्रोडक्ट का लिंक नहीं डाला। लास्ट कुछ गैजेट वीडियो मेरे चैनल में जाकर आप देख सकते हो, उसमें मैंने एक में भी लिंक नहीं डाला। लेकिन जो भी मैंने 2-4 प्रोडक्ट में लिंक डाला था, उसका क्या रिजल्ट आया, उससे क्या फायदा हुआ, ये चीज मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा, ठीक है? तो अभी मैं जाता हूं मैं Amazon के एफिलिएट अकाउंट में। उससे पहले मैं बता दूं, मैंने जो कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, मैं बस मार्च से वीडियो बना रहा हूं। उसके पहले लास्ट वीडियो मैं 3 मंथ पहले का था, वो सब ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड था। तो मार्च से मैं थोड़ा बहुत ये जो गैजेट्स का वीडियो है वो बना रहा हूँ, और वीडियो में मेरा व्यूज अच्छा नहीं है, बिकॉज मेरा जो सब्सक्राइबर्स है वो गैजेट्स वीडियो नहीं देखते हैं, ठीक है? तब भी मैं बता दूं, मेरा जो व्यूज है वो 100 है, 200 है, ठीक है? एक वीडियो में अच्छा व्यू आया था, लेकिन इसमें मैंने कोई एफिलिएट लिंक नहीं डाला था, ठीक है? खैर जो भी हो, जितना भी व्यूज है, तो रिजल्ट क्या है मैं दिखा दूं आपको, ठीक है? तो ये मैंने अपना अमेजोन का एफिलिएट का पेज खोल लिया, यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट दिखा दूं। तो अगर आप देखोगे तो शुरू के टाइम में मतलब एज सच कोई व्यू नहीं होता था, 0-0-0, क्योंकि ये नया एफिलिएट अकाउंट खोला था मैंने। उसके बाद मार्च से मैंने आप लोगों को कहा कि मार्च 13 के बाद से मैंने चैनल में गैजेट्स टाइप का वीडियो डालना शुरू किया। उसके बाद देखिए, हर रोज मुझे हर प्रोडक्ट पे क्लिक्स मिल जाता है, और मैं आपको दिखा दूं कि बहुत व्यूज कम है, फिर भी लोग जाके क्लिक करता है। यहाँ पे दिखा दूं जो मेरा प्रोडक्ट से अभी जो मेरा कुछ ही मतलब सारे वीडियो का अगर मैं मिला लूँ, जिस वीडियो में मेरा एफिलिएट लिंक है, मैं भी 200-400 ही व्यू आया होगा, लेकिन उसमें से ही देखिए मेरा जो अर्निंग है वो कितना है, वो 125 का रेवेन्यू है मेरा, ठीक है? मतलब आप समझ सकते हो, अभी अगर यही चीज
हर वीडियो में मतलब 2 लाख 3 लाख के ऊपर व्यू है, और ऐसे रोज एक एक वीडियो जा रहा है, तो इससे अर्निंग कितना होगा आप समझ सकते हो। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका पोटेंशियल कितना है, कि आप लाखों में या फिर उससे ज्यादा में कमा सकते हो हर हफ्ते। ठीक है, सो ये है YouTube से एफिलिएट मार्केटिंग करने का पोटेंशियल। और एक चीज बता दूं मैं, जो ये गैजेट्स वीडियो होता है ना, अगर आप देखोगे ये सारे वीडियोस जो हैं, मैं ट्रूथ बता देता हूं आपको, या फिर ये जो चैनल में भी इन्होंने वीडियोस डाला है, ये सारे जो वीडियो का फुटेज है वो खुद का कंटेंट एक भी नहीं होता है। मैंने भी जो वीडियो बनाया मेरा कंटेंट एक भी नहीं था, सारे गैजेट का कंटेंट मुझे मिला, उस कंटेंट को मैंने मर्ज किया, उससे वीडियो बना के ये सारे अर्निंग होता है, ये सारे वीडियोस बनता है, इससे व्यू तो आपका एडसेंस का अर्निंग तो होता ही है, साथ ही साथ आपका एफिलिएट मार्केटिंग से भी अर्निंग होता है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप चाहते हो एक गैजेट चैनल खोल लो, या फिर आपका कोई भी चैनल है तो गैजेट वीडियो बनाना शुरू करो, ताकि आपका इसके रिलेटेड आपके चैनल में लोग ज्यादा आए, सब्सक्राइबर ज्यादा हो, और आपका चैनल में इस वीडियोस का व्यू आए, ताकि आपका अर्निंग हो। अगर आप चाहते हैं कि आप एक गैजेट वीडियो कैसे बनाएंगे उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूं, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, ताकि मेरे वीडियो पे थोड़ा लाइक आए और मैं आप लोगों को बता पाऊं कि आप ये गैजेट वीडियो कैसे बना पाएंगे, कैसे आप दूसरे का वीडियो यूज कर सकते हो ताकि आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आए, और कैसे आप Amazon एफिलिएट से अर्निंग कर सकते हो। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।